पितृपक्ष के पहले दिन शनिवार को लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम पर तर्पण किया। सूर्योदय के पहले से ही तर्पण का दौर शुरू हो गया था। चक्राघाट, नदी, तालाब और पोखरों पर लोगों ने पितरों की शांति के लिए तर्पण किया। इसको लेकर यशोवर्धन चौबे ने बताया कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक अपने पूर्वजों का आवाहन पर तर्पण किया जाता है। इसमें ऋषि तर्पण, देव तर्पण एवं सूर्य अर्घ किया गया। श्राद्ध कर्म पितरों की शांति प्रसन्नता के निमित्त किए जाते हैं। ऐसा करने से पितरों को विशेष शांति मिलती है। तर्पण के दौरान स्वान ग्रास, गौ ग्रास, काक ग्रास दिया गया और ब्राह्मण भोज भी कराया गया। ब्राह्मण शर्मा क्षत्रिय वर्मा वैश्यगुप्त सूत्रदास प्रत्येक विक्रम संवत में भादु की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों में जो वर्ष भर में साधक के जातक अर्थात जिस सनातनी के संबंधित रिश्तेदार की मृत्यु होती है उसकी तिथि को इन 16 दिनों में मनाया जाता है। उसका पूजन आवाहन करते हैं। भादों के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होने वाला यह कार्य दिवसवार, नक्षत्रवार, तिथिवार किया जाता है। तर्पण का आरंभ प्रातःकाल से मध्यान्ह तक होता है, जिसमें 4 चरण होते हैं। पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पूर्व में देवता, ऋषि, यम, पितृ और सूर्य नारायण का आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात जातक अपने घर पर जाकर उसके रूप में निकालता है गाय, स्वान अर्थात कुत्ता, कौआ और कन्या के रूप में। इन 4 भागों को अर्पित करने के बाद अग्नि में 3 बार घी, 3 बार गुड़ और 1 बार धूप को छोड़कर आहुति पूर्ण करता है। फिर इस संपूर्ण कार्य को प्रमाण दिलाने के लिए एक तेल का दीपक रोज उजियार के रखा जाता है, जो 10 से 15 मिनट 20 मिनट उजर के रखा जाता है। उसमें रोज नक्षत्रवार, तिथिवार उसमें तिल की संख्या समायोजित की जाती है। चूँकि आज दूसरा दिवस है तो आज तिल के 2 दाने उसमें डाले जाते हैं। यह उस साधक के लिए साधना का मूल मंत्र है कि आज प्रथम दिवस, आज द्वितीय दिवस, आज तृतीय दिवस संख्यात्मक ज्ञान होते हुए वह अपने पितरों की तृप्ति और भक्ति के मूल का। इसके अलावा मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण, 12 जो मृत संस्कार की संजीवनी मंत्र कही गई है, उन सब में विधान में ज्येष्ठ और कनिष्ठ संतान को यह अधिकार होता है कि वह इन 15 दिनों में केवल नर से नारायण की आराधना के रूप में इन दिनों को व्यतीत करें। जो पितृ वर्ष भर उसके मार्ग को देखते हैं कि कोई हमारे घर में ऐसा है जो हमें अन्नदान, जलदान और संपूर्ण दान के द्वारा तृप्त कर हमें 84 लाख में जो अधृत योनियाँ हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए आएगा, तो वह जातक इस प्रकार से अपने साधक की ओर देखता है। जातक मतलब जिसकी जन्म के बाद मृत्यु हुई, और साधक वह जो अपने उस इष्ट के लिए यहाँ मुक्ति दिलाने के लिए आए। आज चूँकि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा परमा का श्राद्ध है, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में आज यम घट योग शनिवार के दिन उन अकाल अल्पायु काल प्राप्त पितरों की भुक्ति मुक्ति की जाती है जिनका आधा शरीर सर्प का और आधा शरीर नेवले का होता है। ऐसे अकाल अल्पायु प्राप्त की मुक्ति जातक के रूप में कराई जाती है।